अपना परिचय वरिचय बता दीजिए पहले सबका। नमस्कार सर, मेरा नाम अनिमेश अग्रवाल है, मैं 28 साल का हूँ, मैं गुवाहाटी असम से हूँ। मैं बहुत ही यंग एज में पढ़ाई कर रहा था जब मैं सीए का। कोई यंग एज में पढ़ाई करता है? जी सर, वही मतलब कंपेयर टू के अभी भी 28 साल का ही मैं खुद को यंग ही मानता हूँ, तो मैं और यंग की बात कर रहा हूँ। तो मैं सीए का पढ़ाई कर रहा था, मैं सीए फाइनल्स तक पहुँचा था और मैं सीएफए और एफआरएम की भी लेवल 1 दे चुका था। मैंने अपने माता पिता से एक साल का ब्रेक मांगा था अपने पढ़ाई से गेमिंग के करियर को परस्यू करने के लिए। जब मैं 2018 में स्टार्ट किया, मैं सोच के पूछा था कि एक साल मैं गेमिंग में पूरा दूंगा और कुछ बनने की कोशिश करूंगा। तो परिवार में क्या रिएक्शन आया? सर क्योंकि मैंने पढ़ाई करके रखी थी, मेरे पास बैकअप बहुत स्ट्रांग था कि गेमिंग में मैं कुछ नहीं कर पाता, वापस जाके पढ़ाई कंटिन्यू कर पाता, तो इसलिए माता पिता हमेशा सपोर्ट किए हैं इस चीज़ को। और सर मेरा गोल यही है कि मैं गेमिंग को इंडिया में आगे बढ़ाऊँ और सबको, जो भी युवा फॉलो कर रहे हैं हम सभी को, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, उनको करेक्ट डायरेक्शन दिखाऊँ गेमिंग से अच्छा क्या कर सकते हैं, और उसी की तरफ काम आगे करने की कोशिश चल रही है सर। मुसीबत ये हो जाएगी कि जब भी आप कोई ठग बोलेगा किसी को भी, आप दिखाई देंगे, और कोई आपको देखेगा तो कहेगा यार ये तो अच्छे इंसान है, उसको ठग कैसे बोलूं। सर वो चीज, लेकिन एक भी बच्चे की गेमिंग में थोड़ा नाम बना लिया तो गेमिंग वाले लोग अब ठग से अच्छे नजर से मुझे देख रहे हैं। ठग से ठग पे नहीं। हाँ, और मैं दुनिया एकदम भी ठगी नहीं कर रहा हूँ सर। मेरा नाम अंशु बिष्ट है, वैसे मेरा गेमिंग नाम गेमर फ्लीट है सर। मैं आता हूँ हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड से। तो मैं सर वैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे पापा एक प्राइवेट स्कूल में 30 साल तक उनने बस कंडक्टरी करी थी ताकि मैं और मेरी दीदी को वो स्कूल में पढ़ा सकें। मैंने थोड़े ट्यूशंस पढ़ाने स्टार्ट करे बच्चों को, एक दो जॉब्स ले ली, फिर अपना खुद का कंप्यूटर बनाया एक। सर आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो उनका बनता है कि ऐसे सोचना कि आप समझ रहे हो ना कि आपका बच्चा बस कंप्यूटर में बैठ के चिल्ला रहा है दिन भर, क्योंकि सर थोड़ा होता है कि मतलब चिल्लाना इन द सेंस कि मतलब खुश होना, कि तभी लोग देखते तो खुश होते हैं ना कि अरे वाह इसको कितना मजा आ रहा है, तो उन्हें मजा आता है। यानी आपको एक्टिंग भी करनी पड़ती है थोड़ी बहुत ताकि व्यूअरशिप बढ़े। तो हाँ सर करनी तो पड़ती है सर। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या है आपको इस दुनिया में? सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू सर कि मतलब अगर आपको पता चल जाए कि आप क्या करना चाहते हो इन दी एंड, सर जैसे आपका है कि आप देश को आगे ले जाना चाहते हो, आप देश को एक स्तर पे ले जाना चाहते हो बहुत, तो वैसे ही मेरा भी था कि मतलब मैं भी कुछ ऐसा करूं कि दुनिया वाह वाह करे। मेरा नाम नमन माथुर है और लोग मुझे मॉटल के नाम से जानते हैं। मैं पला बड़ा मुंबई में ही हूँ, नवी मुंबई में। और जब मैं 4 साल का था मेरे पापा गुजर गए थे, मम्मी ने मुझे और मेरे बड़े भाई को रेस किया, उन्होंने टिफ़िन सर्विस किया, सब कुछ किया। और 2015 में मोबाइल आ गया था हाथ में, तब तो शुरू किया था खेलना। पहले तो स्कूल कॉलेज में दोस्तों से बातें करते करते पता चला होगा। मैं गेमिंग में को खुद से वो यूट्यूब देख के आया था, मैंने उल्टा दोस्तों में फैला दिया था कि खेलो मेरे साथ। मैं बीमार हूँ तुम भी हो जाओ। बस 2015 से लेके 18 तक जब तक मेरा बीकॉम पूरा कम्प्लीट हुआ, उतने में मैंने ये फिगर आउट किया कि ये जितने भी फॉरेन यूट्यूबर हैं हम जिन्हें देख रहे हैं, इनके कमेंट सेक्शन में सारे इंडियन हैं। यानी ये सब जो दुनिया भर के अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं उनमें भी इंडियन, सारे कमेंट करने वाले इंडियंस हैं। मेजॉरिटी मेरे को जो दिखते थे इंडियंस ही दिखते थे, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ उनसे इंस्पिरेशन लेके और अपलोड करूँ। और मैंने वो वीडियो 2018 में अपलोड किया और वो इंस्टेंटली वही वीडियो जो उस सोच से बना था वायरल हो गया। उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया इंडिया को, अनिमेश से मिला 2018 में, मैं हम लोगों ने कंपनी भी शुरू की अपनी SATUL। मॉर्टल नाम कैसे रख लिया? भारत में तो लोग इमॉर्टल की बात करते हैं, लोग सब जगह मैं देख रहा हूँ इमॉर्टल नाम रख रहे हैं, तो मैंने बस अच्छा कुछ नया कर मॉर्टल कर दिया उसको। मेरा नाम पायल धर है, सब लोग पायल गेमिंग के नाम से जानते हैं। मैंने इन सब के बाद स्टार्ट किया है, एंड मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंडिया की लीडिंग फीमेल क्रिएटर बनूंगी। मैं बहुत ही छोटे गांव से हूँ, मैं MP में एक छिंदवाड़ा करके जगह है, इंदौर के पास में है, तो मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट था बट घर पर फैसिलिटीज़ नहीं थी, 12th तक भी हमारे पास घर पर फ़ोन नहीं था खुद का, तो गेमिंग में थोड़ा थोड़ा इधर उधर देखते रहते थे, या दोस्त के जो भाई वगैरह है वो कैफेज जाते थे गेम खेलने, तो वहाँ से थोड़ा बहुत नॉलेज आया कि गेमिंग भी कुछ होता है। तभी के टाइम पे यूट्यूब पे गेमिंग पॉपुलर होने लगी थी इंडिया में भी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसको एक ट्राई दूँ, और लड़कियों को भी एक ऐसा ऑप्शन मिले कि इसमें भी आप करियर बना सकते हो। लड़कियों का इसमें आना कितना संभावनाएं बढ़ती है?
सबसे बड़ी चीज यही है कि पेरेंट्स बहुत घबराते हैं कि बाहर जाके काम ना करें, एंड कई फैमिली में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि बच्चियों को मौका नहीं दिया जाता, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेबल करियर ऑप्शन है। एंड जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं कि हमने आपको देख के स्टार्ट किया, तो सर थोड़ा घबरा रही हूँ मैं आपको। थोड़ी सांस लीजिए फिर बात करते हैं। मेरा नाम मिथिलेश पाटनकर है, मेरा गेमर नेम मिथपैट है। मैंने जो ट्राई किया है कि हमेशा से यूनिक कंटेंट देना है, एंड आई थिंक उसी की वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं। तो गेमिंग, एंटरटेनमेंट, मिमिक्री, ये सब मिलके मैं बनाता हूँ मेरे वीडियो। पूरा सलाड बना देते। मैं चाहता था कि इंडिया से ऐसा कंटेंट मैं बनाऊं जो बाहर के लोग भी देखे, लोग अप्रिशिएट करें। आज से 2 साल पहले एक स्ट्रीमी अवार्ड्स होता है, बोलते हैं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड। सो इंटरनेशनल कैटेगरी में आई वाज द ओनली इंडियन टू गेट नॉमिनेटेड, एंड लॉस एंजलिस में अवार्ड होता है, सो आई गॉट दैट अवार्ड, एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ, एक बहुत प्राउड अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए ये। नमस्कार सर, मेरा नाम तीर्थ मेहता है, मैं भुज कच्छ गुजरात से हूँ, और मैं 2014 से हार्स्टोन नाम की एक गेम है उसमें कम्पीट कर रहा हूँ। तो भुज में ये बीमारी कहाँ से आई? सर ये तो ऐसा है ना कि हर कोने कोने में फैली हुई है अभी तो। लोग आपको कच्छ में जानते हैं कि ऐसे कुछ कर रहे हैं आप? हाँ हाँ अभी तो मतलब बहुत सारे लोग लेकर के जाना पड़ता है। नहीं नहीं अभी तो क्या आप मुझे देखिए, मेरे पास तो ये है। हाँ मतलब इनिशियली तो किसी को पता नहीं था, बट जब से ये मेडल हासिल हुआ है तब से काफ़ी मतलब कहे तो सब पहचानने लगे हैं। हेलो सर, मेरा नाम है गणेश और लोग मेरे को एस के रोसिया से जानते हैं, और मैं बैंगलोर से हूँ, और मैं एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स एथलीट हूँ। जो मैं जब से कॉलेज में मैं गया, दोस्त लोग ने मेरे को गेम को इंट्रोड्यूस किया, और जब मैं खेला अचानक से उधर जो भी लोग खेलते हैं उन सबसे अच्छा खेलने लगा, तो मेरे दिमाग में आया कि ये चीज़ मेरे को असली में मज़ा आता है करने में, और इस पे मेरे को कुछ बड़ा करना है। मैं जब 17 ईयर ओल्ड था, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया 2017 इंडोनेशिया में, तो जब मेरा सक्सेस मिला और मेरा व्हेन आई कुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा माँ बाप का जो ड्रीम था घर बनाने का वो मैं कराया, और दोनों को जॉब से रिटायर कराया, और अभी सब रिलेटिव्स बोलती बंद। आई वाज लाइक धक्का हो रहा था पूरा कि क्या बात करूँ उनके सामने, बट आज जब मिला आई जस्ट लाइक जो भी मन में है, जो भी मेरा स्टोरी है, जो मेरे को जानता है वो सब बोल दिया मैं उनके सामने। एक साथ आप लोग कितने घंटे खेलते हैं कंटिन्यू? आई थिंक ई स्पोर्ट्स एथलीट जो होते हैं वो दिन के 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस के देंगे, क्योंकि वो उनकी पूरी रूटीन होती है, वो दिन में उठने का समय, गेम का समय, डाइट, सब कुछ होता है। कंटेंट क्रिएटर्स का सर अगर मैं बताऊँ तो आई थिंक सब लोग ऐसे होते हैं कि दिन में 12 घंटे सिर्फ सोच ही रहे हैं, और फिर हो सकता है वीडियो बनाने में वो 2 घंटे ही बन गए, या फिर वो 10 दिन तक नहीं बने। हमारे देश में क्रिएटिव की दृष्टि से गेम की दुनिया में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? पिछले 2 साल में जो कंटेंट बन रहा है इंडिया में यूट्यूब पे, वो बहुत नेक्स्ट लेवल बन रहा है। लाइक सब ऑफकोर्स लोगों के पास फोन्स आ गए हैं, सबके पास अभी इंटरनेट एक्सेस आ गया, तो हम लोग ऐसा नया नया कंटेंट देख रहे हैं इंडिया में जो आई थिंक वर्ल्ड में किसी ने बनाया नहीं है। मैं शौक हो जाता हूँ कि इंडिया में इतना सस्ता है, इतना मतलब अच्छा है। इवन फॉर एग्जाम्पल अगर गेमिंग बाजू में रखें तो एग्जाम्पल यूपीआई भी इट्स ऑल्सो सिस्टम जो बाहर इतना अच्छा नहीं है, मतलब कोई सिस्टम नहीं है जो इंडिया में, इट्स अ ब्लेसिंग। गेमिंग की दुनिया में आज करोड़ों बच्चे हैं, उनको ये मालूम है कि हमारे यहाँ इंटरनेट इतना सस्ता है, उसी के कारण उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनी है, पता है? बिल्कुल पता है, सर, पता है। सर, मैं तो खुद ही मानता हूँ सर कि पूछोगे ना वो सबसे पहले बोलेगा फ्री इंटरनेट। यहाँ पे जो भी बैठा है हम सब, हमारी शुरुआत ही ऐसी हुई है सर। जिस तरह से फ्री इंटरनेट, चीपेस्ट इंटरनेट, आई थिंक इंडिया के टॉप 5 चीपेस्ट कंट्रीज में आते हैं, तो सर आज के दिन भारत में 15,000 गेम डेवलपर्स कहे जाते हैं, एंड 1400-1500 से ज़्यादा गेम स्टूडियोज भी है। सर वैसे तो भारत में अगर आप देखो जो गेमिंग है 5 से 6 साल पहले ही बूम होनी शुरू हुई, 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफ़ी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा, और 2000 सब कुछ मेरे आने के बाद। जी एक ऐसी घटना बताइए किसी के साथ आपको गेमिंग के दरमियान कुछ हो रहा, आपने कहा और एक स्पार्क कर गया, ऐसा कुछ याद आता है? मेरे तो लाइव चैट में आया था एक लड़का, बोला था कि मेरा ब्रेकअप हो गया, तो मैंने बोला था कोई बात नहीं तेरा भाई तेरे साथ है। देखिए मान लीजिए कि मैं एक बिल्कुल स्टूडेंट हूँ और मुझे कुछ मालूम नहीं है ये गेमिंग की दुनिया क्या है, परसेप्शन का ही मुझे पता है जो ये बच्चे टाइम खराब करते हैं, पता नहीं दिन भर उसी में बैठा रहता है। याद है मैं परीक्षा पे चर्चा कर रहा था
तो मैंने ऐसे कहा कि ये कुछ बच्चे ने मुझे उलट पुलट पूछा, मैंने कहा तू ये पबजी वाला लगता है। ये पबजी वाला है क्या? वो तो मोमेंट था जब आपने ये पबजी वाला है बोला था, तो मैं उस समय पबजी में रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया को, और मेरे रिलेटिव्स तब मेरे को ऐसे मम्मी को कॉल करके बोल रहे थे कि ये नमन को बोला था क्या ये, तब मैं इतने उस रिप्रेजेंट कर रहा था तो वो सबको पता था, तो कहीं आपने मुझे तो नहीं बोला, ये डाउट आ गया सबको। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अननोन है, ऐसी स्थिति में क्या आप लोगों को क्या अनुभव आता है जब बच्चों से बात करते हो, उनके परिवार से बात करते हो? कोई तो माँ बाप की ये था कि तुम बंद करो मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हो। ये तो सर अगर पेरेंट्स मिलते हैं, हमें पेरेंट्स यही बोलते हैं कि हमारे बच्चों को बोलो कि पढ़ाई करे, सिर्फ आपके वीडियोस देखते रहते हैं। तो मैं अच्छा फिर वो काम भी आप ही को कहते हैं। बहुत बार न्यूज में देखा है कि पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड यूज करके बच्चों ने गेम्स में इन गेम पैसे होते हैं वो लिए, एंड वो चीज बहुत बड़ी न्यूज हो जाती है, उससे क्या होता है कि फिर हमें भी अफेक्ट हो जाता है। राइट नाउ मेरा एक ही गोल है कि अगर किसी बच्चे को भी स्पोर्ट्स एथलीट बनना है या बहुत स्किल लेवल पे टॉप लेवल पे खेलना है, उनको मैं कैसे गाइड करूँ, उनका पेरेंट्स को मैं कैसे गाइड करूँ, बिकॉज ये अवेयरनेस बहुत कम लोग के पास है। घर में ऐसा लगते हैं कि जैसे स्पोर्ट्स एक एक्टिविटी जरूरी है, या डांसिंग सीखना माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि वो भी एक व्यक्तित्व के विकास का एक हिस्सा है, लेकिन ऐसी चीजों को प्रतिष्ठा मिलने में सदियों की एक पुरुषार्थ रहा है। अगर देखी जाए हमारा देश स्पोर्ट्स में हमेशा बहुत आगे रहा, आज के दिन भारत का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट है, पर अगर 1983 वाली वर्ल्ड कप नहीं जीती तो मे बी सब लोग उस उतना क्रिकेट में नहीं जाते, और अगर मे बी देश में एक सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े नाम नहीं आते तो सब लोग वो बनना नहीं चाहते। सर गेमिंग 5-6 साल पहले ही शुरू हुआ और आज काफ़ी लोग हैं इंडस्ट्री में, कम्युनिटी में हमारे जैसे गेमर जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करके नाम कमाया। तो सर आई थिंक आज कोई गेमिंग के लिए अगर ये पूछे कि ये क्यों करना है, तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि इसको आप साइड हसल रखें। जो लोग सोचते हैं अनऑर्थोडॉक्स है, बेकार चीज़ है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग अपना, उसको करके आप प्राइम मिनिस्टर, अभी हम लोग प्राइम मिनिस्टर सर के रेजिडेंस में, तो वहाँ तक जाके उनसे बैठ के एक राउंड टेबल में बैठ के उनसे बातें कर सकते हो, तो वो बहुत अनरियल था। और फॉर श्योर लोग अब गेमिंग को एक अलग नज़रिए से देखेंगे कि हाँ ये भी कुछ है और इसमें भी कुछ करा जा सकता है। एज अ गेमर मैं कहूँगा कि ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो PM सर ने मेंशन की कि डाउन द लाइन ग्रो करना है एक इंडस्ट्री को, तो उसमें एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। उनका वही पेरेंटल एडवाइस, पेरेंट्स की सपोर्ट करना, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपकी दृष्टि से मुझे बताने जैसी कोई चीज़ आपको लगती है यार, आपको कुछ मन में प्रश्न है तो आप क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी हो सकती है? रेगुलेट शब्द ठीक नहीं होगा, वरना सरकार का स्वभाव होता है हर चीज में हाथ डालना, सरकार का मूल नेचर ये है। अब दो चीजें होती है कि या तो आप उनको दबाने की कोशिश करो, या तो कानूनी सारे बंधन लगा करके उनको अलग करो, दूसरा है कि आप चीज को समझो, समझ करके हमारे देश की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको मॉडिफाई करो, उसको कुछ कानून नियम व्यवस्था के अंदर ढांचा में लाओ, उसकी एक प्रतिष्ठा बढ़ाओ। अगर प्रतिष्ठा बढ़ जाती है तो फिर बुरा करने वालों को बहुत देर लगती है। मेरी तो कोशिश है कि देश की स्थिति इतनी आगे ले जाए हम कि 2047 तक खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए, वरना ये कागज लाओ वो कागज लाओ, ये दो, यहाँ क्यों गया वहाँ क्यों गया, उसी में ही जिंदगी फंसी हुई है। सरकार की जरूरत गरीब को होती है, उसको मुसीबत के समय सरकार मिलनी चाहिए। सर आई थिंक एक चीज़ जो डेफिनेटली करा जा सकता है ईज ऑफ बिजनेस के लिए, सर ई स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाए। ई स्पोर्ट्स को बहुत टेक्निकली जैसे स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई हुआ है, एक अलग से आइडेंटिफाई हो जाए कि ये स्किल बेस्ड गेमिंग है, इसमें कोई पैसों का गेम में पैसे लगा के पैसे जीतने वाला खेल नहीं है। सर अगर वो आइडेंटिफाई हो जाती है और सबको पता चल जाता है ये अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट बॉडीज एंड ऑल बॉडीज जिनके साथ हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी करना पड़ता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। रेगुलेटरी बॉडी जैसा कि आपने कहा कि बंदिश वाली अभी इंडस्ट्री बनी नहीं है क्योंकि अभी बढ़ रही है, तो खुले में बढ़ने देंगे, पर साथ में अगर पुश मिलेगा तो कुछ साल बाद आई थिंक इंडस्ट्री रेडी रहेगी कि सरकार आके उसमें नहीं, इसको कोई बंदिश की जरूरत नहीं, खुले में ही जाना चाहिए, तभी जाकर के ये फले फूलेगा, अगर बंदिश आएगी तो नहीं होगा। क्या आपको ये फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? मतलब वो ऐसा समझते हैं कि हम जो फर्स्ट टाइम मानते होंगे, फर्स्ट टाइम मानते हैं, हाँ, जैसे हम मतलब गेम्स खेलते हैं वो काफ़ी अलग रहती है, बट वो ऐसे समझते अच्छा ये तो हम जैसे लूडो खेलते हैं वैसी कोई गेम हो गई,
बट वैसा नहीं है, वो हम कह सकते हैं कि चेस जैसी एक कॉम्प्लेक्स गेम्स हम मोस्टली खेलते हैं, जिसमें बहुत सी मेंटल स्किल्स भी चाहिए रहती है, फिजिकल स्किल्स भी चाहिए रहती है। सर, आरएनजी और स्किल बेस्ड गेम को बहुत हाई टाइम के भी डिफरेंशिएट करें। सर, आज भारत के एथलीट्स जाके ओलंपिक्स में प्रपोज है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रपोज है। आप लोग एक काम कीजिए, ये जो क्या समस्या है आपकी, मुझे कभी मेल कर दीजिए मेरी ऑफिस में, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं आप इधर। लाइक पेरेंट्स को जब उनके बच्चे लोग बोलते हैं कि गेमर बनना है, पेरेंट्स लोग को समझ में नहीं आता कि एक्चुअल गेमर क्या होता है, क्या करता है ये गेमिंग, मतलब गेमिंग गैम्बलिंग भी समझ जाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मोदी जी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया कि गेमिंग अलग होता है, गैम्बलिंग भी अलग होता है, और हमने भी बहुत सारे चीज़ें एक्सप्लेन किया। अब इतने सारी मात्रा में बच्चे जुड़ चुके हैं, उनको आप रोक नहीं सकते, तो उनको आप सही रास्ते पर ले जा सकते हो। वो सही रास्ते पर ले जाना है तो आपको लगता है डूज एंड डोंट्स, पढ़ाई करो, ये तो ठीक है, हम कह दिए तो पढ़ाई करो, और क्या क्या बातें आप सोचते हैं कि जिसको उसको केयर करना चाहिए। बच्चे बिल्कुल चाहते हैं कि यही करे, तो हम लोग सर, मैं तो हमेशा अपनी स्ट्रीम पे क्लियर बोलता हूँ, कोई भी आके बोले कि भैया मुझे भी आपके जैसा बनना है, तो मैं तो साफ बोलता हूँ भाई अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो जैसे मैं चला वैसे चलो। मैंने कॉलेज किया, कॉलेज के साथ किया, मैंने जॉब करी, मैंने जॉब के साथ किया, जब तक नहीं चला मैंने ऐसा नहीं करा कि सब दुनियादारी छोड़ के मैं बस लगे रहा कि नहीं यही काम करेगा, यही काम करेगा। आज के टाइम पे गेमिंग स्पोर्ट्स, मतलब उसमें दो कैटेगरी आती है, जैसे ई स्पोर्ट्स में आप कम्पीट करते हो, और कॉन्टेंट क्रिएशन में ऐसा है कि हम गेम के अराउंड वीडियोज बना रहे हैं, उसमें चार दोस्त मिलके कुछ फन कर रहे हैं, तो वो लोग देखना पसंद करते हैं लाइव स्ट्रीम में। जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों से, तीन स्टेज है। एक तो है जो गेम खेलने के लिए आने वाला खिलाड़ी, दूसरे वो लोग हैं जरा क्रिएटिव माइंड के हैं, तो उस गेम उसका लाइव स्क्रीनिंग ये वगैरह करके के बाद में छोटा सा वीडियो बनाना, इसमें थोड़ा रंग भर देना वो, और तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि गेम इटसेल्फ बनाना। कैसी हमारी जो गेम्स हैं जो बनी है अब तक जो आई है उसकी क्या? तो अभी आई थिंक 2020 में आपने स्टेटमेंट दिया था कि मेक इन इंडिया की, इंडिया के अराउंड गेम्स बनाने प्रमोट कर रहे हैं आप, तो उसके बाद आई थिंक काफ़ी इम्प्रूव, काफ़ी स्कोप। हिंदुस्तान की कौन सी थीम है जो लोगों को आकर्षित कर रही है, या आप लोगों को लगता है कि ये क्लिक कर सकती है, क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड की आती है उसमें तो मारो काटो दौड़ो भागो यही आती है, जैसे हमारे पंचतंत्र है, क्या कभी किसी ने उसमें माइंड अप्लाई किया? अभी डेवलपमेंट में जो बोर्ड गेम्स हमारे पुराने खेले जाते थे, जैसे अष्टो चौकड़ी करके एक गुजराती में, हम छोटे थे तब से वो गेम खेल रहे, तो अभी उसके जो है वो डिजिटल वर्जन अभी रिलीज हो। बाकी यही है कि हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे। दुनिया आज एक बहुत बड़ी चर्चा करती है ग्लोबल वार्मिंग के, क्लाइमेट के इश्यूज हैं, दुनिया में अलग अलग तरीके अपनाए हैं। मैंने दुनिया के सामने अलग विषय रखा है, मैंने कहा है मिशन लाइफ, और लाइफ शब्द से मेरा मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी गेम बनाऊं जो क्लाइमेट की चैलेंज को कैसे हम मिट करेंगे, कौन से रास्ते होंगे, किस किस रास्ते से जाएंगे, किस रास्ते से ज़्यादा सफलता मिलेगी, सरलता मिलेगी, जैसे हम लोग स्वच्छता के विषय को लेकर के ही गेम बने और हर बच्चा खेले, भारत के जो वैल्यूज हैं वो नई पीढ़ी उसको जीना सीखे, उसका महत्व समझे और उसको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिले। जैसे हम सभी को गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है, वैसे आप इंडिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जिसकी बात सब सुन के मानते भी है। जब आपकी ये बात बाहर आएगी तो मुझे लगता है 100% लोग इस वे में सोचेंगे। सर, यहाँ पे जो आप कह रहे हो ना, वैसे एक कैटेगरी है, जैसे शूटिंग गेम्स हो गए, वैसे एक कैटेगरी है गेम्स फॉर चेंज, जिसमें जैसे आपने जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स बताया, या फिर ऐसे छोटे छोटे जैसे अफ्रीका में ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जो स्पेसिफिकली वहाँ की पॉवर्टीज कम करने के लिए, या वहाँ के कोई जो लोकल इश्यूज है उसको अवेयरनेस उसके लिए बढ़ाने के लिए ऐसी गेम्स स्पेसिफिकली स्टूडियोज बनाते हैं,
तो आई थिंक ऐसे गेम्स इंडियन स्टूडियोज भी कैचअप कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि डाउन द लाइन 2-3 साल में तो ऐसे गेम्स आएंगे भी और वो आगे जाके पॉपुलर भी होंगे, जो कहेंगे हम कि सिर्फ इंडिया के भी नहीं बट ग्लोबल प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करेंगे। मुझे उनकी एक बात जो बहुत अच्छी लगी एंड शायद मैं भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करूँ, अपने ऑडियंस तक भी पहुँचाऊँ, वो ये रहेगा कि आप गेम डेवलपमेंट में घुसो, थोड़े से ऐसे गेम्स डेवलप करो जो हमारे कल्चर या इंडिया कैसे चलता है या हमारा क्लाइमेट या व्हाटएवर ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों को देखकर ऐसे गेम्स बनाओ एंड उन चीज़ को हम लोग पुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई गेस दिस इज समथिंग दैट आई वुड टेक फ्रॉम हिम। उन्होंने जो एनवायरनमेंट के लिए चीज़ें बताई कि जो गेम डेवलपर्स हैं उनको एनवायरनमेंट पे फोकस करके इंडिया की ऐसी गेम बनाना चाहिए जिसमें एनवायरनमेंट और हमारे जो क्लीननेस है उसके तरफ ध्यान देने के लिए, आई थिंक वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्या ओपन सोर्स गेम का होता है कि गेम है उसमें 2 चैप्टर किसी और ने जोड़ दिए, 2 स्टेप्स किसी और ने जोड़ दिए? क्योंकि आप जो कहते हैं ना जिसकी उम्र कम होती है, हाँ, उसको जो मॉर्टल है उसको इमॉर्टल बनाना है तो फिर हमें ओपन सोर्स करें और उसमें नई नई चीज़ों को जोड़ने के लिए उसको ओपन करें। तो हो सकता है कि मान लीजिए हमने हनुमान के कैरेक्टर के ऊपर कोई बनाया जी, तो लोगों का भी ओपन सोर्स है, आप हनुमान के नई नई चीज़ें लेके आइए, तो हो सकता है वो। हाँ सर, बहुत सारे देखिए, ये हमारी टीवी सीरियल जैसा काम है, हमारे टीवी सीरियल को एंड ही नहीं है। हाँ। उसका नई नई पोस्ट जोड़ते जाते हैं। सर हम लोग ने वैसे थोड़ा कुछ आपके लिए सोच के रखा था कि आपसे हम लोग इतना कुछ सीखे, आपको हम लोग गेमिंग का थोड़ा डिक्शनरी आपको सिखाना चाह रहे थे, तो सर एक गेम है जो अमित पैट आप समझा दो हम लोग क्या करेंगे सर के। बेसिकली सर हम गेमिंग में कैसे होता है कि हम लोग मैच के अंदर बिजी रहते हैं तो हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, तो हम लोग ना टर्म यूज़ करते हैं जिससे क्या होता है कि एक दूसरे के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर सके ईजीली। हर एक अपनी टर्मिनोलॉजी बोले, आप देखिए सरकार में जाइए तो सरकारी जो अधिकारी होंगे वो शॉर्ट फॉर्म में ही बोलेंगे, बोलते भारतीय जनता पार्टी वैसे ही शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। सर पर आपको एक दो वर्ड तो हम लोग बता के जाएंगे, आप हमें फिर बताएगा कि आप कौन से सेंटेंस में उसको यूज करेंगे। ऐसा है, मेरा एक शब्द है P2G2, तो मेरा वो P2G2 शब्द ये है, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, P2G2। अच्छा एक और है नूब, नूब, नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे नहीं नहीं आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूंगा आप तो लोग उसके लिए बोला है। ग्राइंड करके एक वर्ड होता है, तो ये तो खैर आप गेम में भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ग्राइंड मतलब सर मेहनत करना हो गया बेसिकली, जैसे अगर मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूँ तो मुझे उसमें एक एक चीज सीखने के लिए ग्राइंड करना पड़ता, तपना सर, तपना हिंदी में आसान भाषा में तपना। और दूसरा है सर GT है, गोट टू, मतलब हम जनरली कोई भी गेमिंग सेशन एंड करते हैं तो दोस्तों को कहते हैं कि अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ जाना है, तो हम टाइप करते हैं GT। मतलब अवेयर फ्रॉम कीबोर्ड, यानी कि आप गेम खेल रहे हो, 4 लोग एक टीम में एक साथ खेल रहे हैं, अचानक से मम्मी ने बुला दिया कि खाना रेडी हो गया, तो वो फोन इधर ऐसे छोड़ के जाएंगे तो मतलब गेम में हार जाएंगे। तो टीम मेंबर्स आके हमें, अगर हम चाहते कि टीम मेंबर्स को समझे कि सुनो मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरी जगह तुम लोग लो, तो हम लोग AFK लिखते हैं, अवेयर फ्रॉम कीबोर्ड, मतलब मैं नहीं हूँ पर तुम लोग संभाल लो, यानी एक दूसरे को कहकर के जाते हैं, इतने डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। और सर सबसे बड़ी चीज आपको कूलेस्ट PM कहा जाता है हमारी सेट में, अगर कि सबसे कूल अगर कोई है तो वो हमारे PM है। एंड आप जैसे मतलब हमारे और आपकी उम्र में काफी डिफरेंस है लेकिन फिर भी एक नहीं, नहीं आपने किसको किसने बताई ये मीडिया में सब आता है वो सच मत मानो। हाँ मतलब सर आप भी जेंटी हैं हमारे। हाँ मैं कलर करके बाल वाइट रखता हूँ ताकि घर लोगों को लगे कि मैं बैचलर हूँ। इसमें एक मुझे याद है, मुझे बहुत चीज़ बारे कहती YouTube फैन फेस्ट में आपने जब सर सिंपल चीज वही लाइक शेयर सब्सक्राइब सब लोग पागल हो गए। हम लोग को कूलेस PM को गेमर टैग देना चाहिए, हम लोग सब गेमर्स के नाम है, सर का कोई नाम नहीं है। सर ढूंढिया ने मुझे बहुत पहले से नाम दे के रखा है डबो।
वो हम लोग क्या कहते हैं, नमो ओपी इंद्रजी। सर ओपी इज ओवर पावर्ड, सबसे ज्यादा पावर। सर अभी कुछ आपके साथ गेम्स चली रहे थे। सर आप बहुत एक्साइटेड हैं आपको गेमिंग सिखाने के लिए। आपको ये पहनाता हूँ मतलब फर्स्ट गो में जिस हिसाब से उन्होंने किया, वी वर माइंड ब्लोन। सब गेमर आज खुश हो गए हैं। वाओ, कैसा था आपका अनुभव ये खेल के? अच्छा ही है, लेकिन जब आप इतनी जल्दी अडैप्ट भी कर लिया, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, आप लोगों से ट्रेनिंग लिया। ये देखिए राइट नीचे आना है ना, किसी को नहीं मिल सकता उतना मुश्किल है मिलना। जो मौका हमको मिला तो दिस विल बी द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ वेयर वी प्लेड गेम्स। आप अंदर चले जाइए यहाँ से, देखिए अब यहाँ पे आ गए आप, स्पीड भी बढ़ चुकी है। अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये एक इंडियन गेम है, फर्स्ट टाइम मतलब सर्वर खेल रहे हैं। मार्बल कर दी, क्या बात है, पहुंच गया, पहुंच गए। गेम इतनी है कि नहीं नहीं, गेम तो बहुत बड़ा है। इनको मिलेगा एक त्रिशूल, मिलता है यहाँ पर, तो वो त्रिशूल लेके फिर उनको आगे बढ़ना होता है। ये देखिए ये त्रिशूल है यहाँ पे, तो जैसे ये इन्होंने ई दबाएंगे तो इनको ये त्रिशूल मिल जाएगा। अब इनको पहला हथियार अपना वेपन मिल चुका है, अब ये लेके वो आगे लॉर्ड विष्णु एंड माँ दुर्गा के गाइडेंस से अपने भाई को बचाएंगे। ये पूरे गेम का शुरुआत और पहलू है। एक एक बात तो है, हम लोग इतने टाइम्स में इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को गेमिंग करने के लिए, आज आपने हमारे जितना इंस्पायर एक दिन में कर दिया। यानी आप लोगों का कितना समय जाता होगा इसमें देखता हूँ। सर आपको कैसा लगा आज गेमर्स से बात करके? मैं अभी नया हूँ इस दुनिया में, तो मैं बहुत सोचूंगा इस पर, युवा पीढ़ी का भला भी हो जी, और इसका एक पॉजिटिव क्रिएटिव उपयोग कैसे हो। मुझे ऐसे, मैं चाहता हूँ हमारे लोग इसमें आगे जाए और हम दुनिया में चीजों को लेके जाए। सो सर अभी हम लोग स्टंबल गाइस करके गेम खेल रहे हैं, तो कोड है, रूम कोड है सबका 982981। ओके, जॉइन एवरीवन, जॉइन। ऐसे इस गेम में कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आगे आगे जाना होता है, रेस होती है, ऑब्स्टेकल्स होते हैं। आपके कैरेक्टर का नाम नमो है। ये जॉयस्टिक है, हाँ ये सर आपका कैरेक्टर है, और ये जंप बटन है। मैं पूरा दिमाग खपाऊंगा जरा। अगर आप इसको ऐसे फिंगर रख के ऊपर के तरफ करोगे तो आगे के तरफ हमें आगे जाते हैं। सर सर आप तो इसको आप यहाँ पे सर हाथ रखिए और इसको टच स्क्रीन के जैसे ऊपर ऊपर के तरफ कीजिए। चलिए सर, चलिए चलिए चलिए, जैसे इधर जंप करना है, जैसे ही नीचे जाएगा राइट वाला बटन दबाना है आपको। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बट बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। भगवान करे मुझे इसकी आदत ना लगे। सबके साथ बनता है। हम लोग कुछ चीजें लाए थे आपसे साइन कराने के लिए जो हमारे गेमिंग से जुड़े, आप दो मिनट विराजमान हो जाते तो टेबल पे फॉर श्योर। नमो ओपी। आप लोग एक काम शुरू कीजिए, हर एक को कहिए कि खुद की सिग्नेचर अपनी मातृभाषा में करें। लोग अब गेमिंग को एक अलग नजरिए से देखेंगे कि हाँ ये भी कुछ है और इसमें भी कुछ करा जा सकता है। ये पहना दीजिए क्या? अच्छा इसको पहनोगे? शाबाश, थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपके साथ में से कैसे फोटो शूट कर दो इसे गेम में? हम चलिए, I think Indian gaming peaked today. Who is the biggest influencer in India? It's our Prime Minister. हमने उनसे मिले।